इंडियन आर्मी से सेवानिवृत्त कमांडो मांगीलाल कुरडिया सोमवार को बड़ू शहर पहुंचे, जहां बड़ू त्रिमूर्ति बालाजी के दर्शन के पश्चात स्थानीय लोगों ने जुलूस निकालकर उनका सम्मान किया। किसान पुत्र 71 ट्रैक्टरों की तिरंगा रैली के साथ अपने घर पहुंचे। इस दौरान चारों ओर देशभक्ति के नारे गूंजे। कमांडो मांगीलाल ने भारतीय सेना में 19 साल की सेवा पूरी की। वो 3 नवंबर 2001 को सिलेक्शन के बाद अहमदनगर ट्रेनिंग में चले गए थे। 1 मई 2002 को जम्मू कश्मीर कुलचकंदर में पहली पोस्टिंग हुई और अपनी गौरवमय सेवा पूर्ण कर नगर लौटे। कमांडो के सम्मान में स्थानीय लोगों ने जुलूस निकालकर अभिनंदन किया। मांगीलाल ने कहा कि मेरे गांव या क्षेत्र के जो भी बच्चे आर्मी में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग में भरपूर मदद करूंगा। अब गांव की राजनीति में आकर गांव की सेवा करने का भी संकल्प लिया है और इस मिट्टी से और इस सैनिक पैदा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्की यात्रा और आप इस वक्त देख रहे हैं डीपीके न्यूज। अब हम पहुंचे हैं बड़ू कुर्डियों की डांड, जहाँ 19 वर्ष बाद में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होकर अपने घर पहुंचे। जी हाँ, हम बात करें कमांडो मांगीलाल जी कुर्डिया, जो इस वक्त हमारे साथ है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका 19 वर्ष का जो कार्य था वो कैसा रहा, भारत में कहाँ कहाँ इन्होंने यात्राएं की, देश सेवा कहाँ कहाँ पे की। सर, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत, हम धन्यवाद देते हैं कि आप सेवानिवृत्त हो पाए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने इतनी गाने काकड़ माके इस बात को मतलब मीडिया में दिखाओगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। अभी सवाल जो आप पूछ रहे हो कि कहाँ कहाँ ड्यूटी करी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ड्यूटी करने का मौका मिला और हमेशा सीखने को मिला और हमेशा हमने इस तिरंगे की आन बान शान का ख्याल रखते हुए और भारत माता को, भारत माता की सेवा को मद्देनजर रखते हुए 24x7 सर, आप सेवानिवृत्त होने के बाद आपका क्या विचार है? आप ग्रामीण क्षेत्र से, आपका जो पैतृक गांव है, तो अब आगे क्या रूपरेखा है आपकी, आगे क्या करना चाहते हैं? देखो, मैं एक तो आर्मी का कोटा होता है, कमांडो का कोटा होता है। मेरे पास आर्मी का कोटा है 12%, 5% कमांडो का कोटा है, जबकि 17% मेरे पास कोटा है। और अभी भी मैं जो एक हमारे सेना में सेवानिवृत्त होने के बाद में एक नौकरी लगती है DAC, उसका मेरे को ज़बरदस्ती दे दिया कि आपको ज्वाइन करना है, लेकिन मैं बेल्ट की नौकरी भी नहीं करूँगा। मार्बल लाइन में मेरे मामा जी मार्बल व्यवसायी, इनके साथ में मिलकर मैं कामकाज करूँगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, राजनीति के अंदर मैं 3-4 साल से लगातार सक्रिय रहने की कोशिश करता हूँ नौकरी करते करते। तो राजनीतिक में मेरे वार्ड और मेरे गांव की तरफ से मेरा नाम घोषित भी किया हुआ, जनवरी को नाम घोषित किया था कि भाई सरपंच का चुनाव लड़ेंगे, तो मैं सरपंच का चुनाव लड़ूंगा और रिजल्ट कुछ भी हो, तन मन धन से इस गांव की सेवा करता रहूँगा। सर, एक बात जो सामने आ रही है कि 7 मार्च को यहाँ पे एक विशाल सेवानिवृत्त प्रोग्राम रखा गया है, जिसके अंदर 8,00,000 से ज़्यादा की आबादी आने का विचार रखा है, जिसके अंदर नागौर के लोकप्रिय और RLP से जो हनुमान बेनीवाल की जो आने की बात है, उसकी आप पुष्टि कीजिए, क्या 7 तारीख को विशाल प्रोग्राम का यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है? 8 तारीख को और 7 तारीख को रखें, 7 मार्च को जो ये प्रोग्राम रखा गया है, ये पूरा का पूरा जिम्मा मेरे मामा जी उमराम जी गोदारा ने ले रखा है और साथ में रामेश्वर जी थकन और पूरी RLP टीम, और मैं तो वहाँ से फ़ोन पे देख रहा था क्योंकि मैं तो भी आया हूँ, तो इन्होंने पूरा ले रखा है। 7,000 आदमी खाने की व्यवस्था कर रखी है और नागौर के सांसद तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन नागौर के तमाम 11 विधायकों को भी इन्वाइट किया हुआ है। अभी आता कौन है कौन नहीं आता है, वो मंत्रियों का काम, वो हाई लेवल का विधायकों का उनका काम उनके पास है। बाकी मैंने जो मेरे मित्रगण, मेरे जितने भी मित्र हैं और चाहे कोई सी पार्टी का हो, और मेरे तमाम गांव को याद करने की कोशिश की है, कहीं अगर भूल भी गया हूँ मैं तो क्षमा करें और पधार भी जाए, इस आप वाले न्यूज़ को दे के पधार जाए। सर, एक जो देखा जा रहा है कि आप जैसे रिटायरमेंट होने की जो खबर आ रही थी, उससे पहले ही आपने समाज और गाँव के लिए जो बैठने की जो चेयर, जब बड़ू जाते हैं तो बैठने के लिए जो आपने एक अच्छी सोच के साथ जो चेयर का निर्माण करा के वो लगवाई है, और आप आर्मी में रहे हो, अब तो देश का जो भविष्य है बच्चे बोले, तो बच्चों के लिए आप क्या करोगे? यदि आप सरपंच चुने जाते हो या सरपंच नहीं चुने जाते हो, तो बच्चों के लिए आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, क्या आपकी व्यक्तिगत केंद्र से या हनुमान बेनीवाल से आप मांग करोगे, और क्या बच्चों के लिए आप व्यक्तिगत क्या करोगे आगे?
देखो ऐसा है, मेरे से सीनियर के लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, उनसे तो आशीर्वाद ले सकता हूँ। बाकी जो आज बच्चा पैदा हो रहा है उसके लिए मेरा विचार ये है कि जो हमने ठोकरे खाई वो आज के युग में बच्चे नहीं खा रहे, तो जो आज के बच्चे ठोकर खा रहे आने वाले समय में उनके नहीं आए। और जो भी शिक्षा संबंधित, जो भी पर्यावरण संबंधित, मतलब जितने भी स्कीम एक सरपंच लेवल के आदमी को करनी चाहिए उसको बिल्कुल तय दिल से करूँगा। वहीं ध्यातव्य है कि 7 मार्च को बड़ू में विशाल सेवानिवृत्त प्रोग्राम भी रखा गया है जिसमें सांसद हनुमान बेनीवाल भी भाग लेंगे, साथ ही कई दिग्गज नेता भी आएंगे। तो वहीं स्थानीय विधायक रामनिवास गावड़िया के साथ आसपास के 8,000 से ज्यादा लोगों के आने की भी उम्मीद है। देखो आज का सेवानिवृत्त हमारे मेरे से बड़ा भाई है, 18 साल 19 साल सर्विस करके आया, बहुत जोशीला बंदा है ये। और जिस हिसाब से ये अभी हम बात कर रहे थे सरपंच चुनाव की, अगर इस हिसाब से इस रेस में आगे रहा तो इस गांव को मतलब वो काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आज तक नहीं हुई है। तो जितने भी लोग आए हुए हैं ग्रामीण लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे आदमी को चुनो, तो बाकी जो इतने दिनों तक नहीं हुआ हो सकता है इस बार कुछ चेंजिंग हो। चेंज करने के बाद ही पता चलता है कि कौन आदमी कहाँ है। एक एक रेस में युवा है, जोशीला है, और दूसरा क्या है, कार्य करने की सलाह, मतलब जिसमें जोश है, जिसमें सत्य और सही करने की जो दिशा में चल रहा है, सबसे रिक्वेस्ट है कि उसका साथ दीजिए। सेना में नौकरी करके ईमानदार छवि है, स्पष्टवादी आदमी है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के, और आज का आपने माहौल भी देखा ग्रामीण लोग पूरे साथ में है, तो निश्चित है कि अगर आप लोगों का जैसे अभी साथ है इलेक्शन तक ऐसे साथ रखिए, उसके बाद जीतने के बाद उसका आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा और एकदम नंबर 1 रिजल्ट मिलेगा जिसमें कोई संदेह नहीं है। बताता हूँ कि इन्होंने 19 साल देश की सेवा की, और मेरी तो उम्मीद यही आस यही है कि 19 साल जैसे भारत की इसने सेवा देश के लिए सेवा की है, तो मैं तो यही चाह रहा हूँ कि आगे के लिए अगर राजनीति फंड में भी आके अगर बड़ू गाँव का जैसे सरपंच वाली अभी बात चल रही है, तो अगर ऐसे आदमी को बड़ू गाँव का सरपंच बनाया जाता है तो विकास के लिए बहुत ही बढ़िया ये काम करेगा, ईमानदार छवि और नेट ऑन क्लीन। क्या आप फिर 5 साल साथ मिलके काम करोगे बड़ू के लिए? साथ मिलके नहीं, तय दिल से मिलके करेंगे। 36 कौम को साथ लेकर चलोगे? 36 कौम को साथ लेके, हर तरीके का कोई भी गरीब तबके से लेके हर आदमी का साथ पूरी तरीके से देंगे, उसका हर संभव जो भी कार्य होगा पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। क्या बाबा जी ये बात बोल रहे थे कि 36 को हमको साथ लेके चलेंगे, क्या चलेंगे मांगीलाल जी यदि सरपंच बन रहे हैं तो? आपका क्या विचार है? मांगीलाल जी सरपंच बहुत बढ़िया है, अटेंड करो तंग जी इसको सरपंच बना रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हो साहब मांगीलाल जी के लिए? जो आज मांगीलाल जी बहुत बढ़िया आदमी है, जनता की सेवा करने वाला है, सरपंच बनाने गरीबी को मदद करेला, सरपंच बन जाए तो बहुत बढ़िया, गांव विकास करी और गरीब को बूढ़ा की सेवा करी, गलत काम करे तो। सर आज मांगीलाल जी जो रिटायरमेंट हुए हैं तो आपका क्या कहना है? एक बार जन मन तन साथ देंगे गांव का सरपंच बनाएंगे, देश माता है कोई रोंगट नहीं। क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि मांगीलाल जी 36 को हमको साथ लेके चलेंगे? पूर्ण विश्वास मंगलाल जी ने मेरा भांजा है, ये 19 साल सेवाएं दे के आया है। अब जो भी यहाँ इसको ग्राम वाले सरपंच की दावेदारी के अंदर है तो यहाँ इनका नंबर आ जाता है तो ठीक है, बाकी मैं इनको मार्बल लाइन में या कोई दूसरे काम में इसको शिफ्ट करवा दूँगा। आज हम सबके लिए बड़े ही गर्व की बात है कि हमारे गांव बड़ू के मांगीलाल जी कुडिया भारतीय सेना से 19 वर्ष की गौरवान्वित सेवा करके सेवानिवृत्त हुए हैं, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और इससे भी बड़ी खुशी की बात तो यह है कि आने वाले सरपंचों के चुनाव में इन जैसा एक कर्मठ युवा और काम कराने वाला नेता इस गांव से सरपंच पद का उम्मीदवार बन रहा है, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास, आप देख सकते हैं कि अभी ये सेवा में रहते हुए इन्होंने गांव के विकास के लिए कुछ काम किए हैं। अब आज मैं देख रहा था कि सार्वजनिक स्थानों पर इन्होंने बेंचें लगा दी है, वो भी अच्छे संदेश युक्त उन्होंने बेंचें लगाई है, तो मुझे पूरा विश्वास है और इस गाँव के लिए गौरव की बात है कि इन जैसा युवा और कर्मठ नेता यहाँ से सरपंच पद का उम्मीदवार है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग भारी मतों से इन्हें विजयी बनाकर देश का और उनका जो सेवा थी उनको निरंतर अब गांव के लिए आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद जय भारत।
ज्ञातव्य है कि मांगीलाल बड़ू के सरपंच पद की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। इस रैली में समस्त बड़ू ग्रामवासियों के साथ आरएलपी कार्यकर्ता हुक्माराम गोदारा, रामेश्वर धाकन, सरपंच रीधाराम सारण, धीरज चौधरी, ओम राम फौजी, हरी राम फौजी व लक्की आंचरा व किशोर फौजी व प्रकाश कुरड़िया व मडावरा व प्रकाश बिडासर व रूपेश ठोलिया व रामनिवास कुराड़, प्रेम छरंग आदि लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, लक्की आंचरा, नागौर।